दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विश्व चैंपियन बनने के लिए जब आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए थे 18 बल्लेबाज पर थे सूर्या के साथ किंग कोहली, आग उगलने को तैयार थे मिचेल स्टार्क, फिर अंतिम ओवर में हुआ ऐसा घमासान, कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपना इंतकाम लेते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने लिखा है नया इतिहास? ऐसा क्या हुआ अंतिम गेंद तक खेले गए मुकाबले में जिसने क्रिकेट इतिहास को पलट दिया? किसने लगाया है इस मुकाबले में वर्ल्ड कप विनिंग छक्का? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस फाइनल मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, सूर्य और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो, तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसे हमें एक बार फिर देखने को मिला दुनिया की सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जब घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया फाइनल के महासंग्राम में टीम इंडिया के सामने उतरी, तब जोश और जुनून से सराबोर रोहित और कोहली के विध्वंस के बाद सूर्य का बल्ला इस कदर गरजा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों, जहां एक तरफ 1,32,000 दर्शक भारतीय टीम के साथ खड़े थे, पूरी दुनिया इस मुकाबले में नजरें जमाई बैठी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सिक्का भी रोहित शर्मा के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर मेहमान ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। हालांकि शुरू में तो यह फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ था, लेकिन अंत में आते आते ऑस्ट्रेलियाई सनसनी ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। मोहम्मद सिराज से लेकर बुमराह, कुलदीप, शमी, सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 98 गेंदों में 113 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौकों और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं ट्रेविस हेड ने भी अर्धशतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवरों में 318 रनों तक पहुंचा दिया था। अहमदाबाद में सभी अभी से मातम पसरा हुआ था, वहीं ऑस्ट्रेलियाई फैंस तो जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हां दोस्तों, अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने मैक्सवेल के ही अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया, जहां गिल और रोहित के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। जीत की नींव बिछा दी गई थी, हालांकि गिल 36 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें 4 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी जड़ा था। उनके आउट होने के बाद रोहित और किंग कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों गेंदबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, हिटमैन ने केवल 52 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं विराट ने भी 56 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली ने भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। ऐसा लगा था हम आसानी से मुकाबला जीतने वाले हैं, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की वापसी का शंखनाद होता है। टीम इंडिया की शान कप्तान रोहित 96 रन बनाकर वापस लौटे तो पूरे स्टेडियम में मातम छा गया, क्योंकि एडम जंपा ने लगातार 2 गेंद पर पहले केएल राहुल तो फिर श्रेयस अय्यर को भी चलता कर भारतीय टीम की कमर ही तोड़कर रख दी। मैच अब बराबरी पर आ चुका था। ऑस्ट्रेलिया को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम के शान सूर्य के साथ विराट इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। 4 विकेट गिरने के बाद भी सूर्य ने ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का मौका नहीं दिया। इस खिलाड़ी ने भी आते ही वनडे में इस महामुकाबले को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते उन्होंने अपनी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। मुकाबला जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके थे, लेकिन अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। विराट कोहली 99 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर कोहली का बल्ला गरजा मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर कंगारुओं को दिखा दिए थे। इसी के साथ उन्होंने अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की अभी सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। स्टार्क ने विराट को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और विराट इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने पिकअप शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंक कर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके थे। दोस्तों, भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर विराट मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर विराट बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद दोनों ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज, जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉर्ट लेग में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था, सभी भारतीय की जीत की प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों, स्टार्क ने सूर्य को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी सूर्या ने बल्ला घुमाया, लेकिन वो केवल 2 रन ले पाए।
अब ये मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था कि आखिर अब क्या होने वाला है, लेकिन दोस्तों इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए सूर्या को छकाना चाहा, लेकिन सूर्या भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से चीरते हुए चौके के लिए मारकर टीम इंडिया को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी थी। पूरा स्टेडियम सूर्या सूर्या के नारों से गूंज उठा था। विराट की खुशी का ठिकाना नहीं था तो भारतीय खेमा जश्न में डूब गया था। रोहित से लेकर पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, क्योंकि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक जबरदस्त मुकाबले में धूल चटा दी थी। हालांकि ये केवल एक प्रैक्टिस मैच था, लेकिन ऐसा ही जबरदस्त घमासान हमें फाइनल में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि फाइनल की इस जंग में कौन सा बल्लेबाज शतक लगाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।